तो है व्हाट्सअप गाइज, आप लोगों को कोपा सेटिंग कैसे करना है दोस्तों, इस पर काफ़ी लोग मतलब रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी वीडियोज अच्छी से नहीं मिल रही कि आपको कोपा सेटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए, आज की वीडियो काफ़ी ही कमाल की होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कोपा सेटिंग डायरेक्टली कैसे करना है। ऐसे में दोस्तों क्या कर रहे हैं, काफ़ी से यूट्यूबर्स ऐसे वीडियोस बना रहे हैं और आपको डेस्कटॉप सेटिंग पे भेज रहे हैं। क्रोम से लॉगिन कीजिए, डेस्कटॉप सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपको अच्छी से कोई जानकारी मिल नहीं पाती है कैसे क्या करना है। ऐसे कितने भी व्यूवर्स वीडियोज़ देख के बोरिंग हो जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से YTA गो टू YouTube स्टूडियो पे जाइए। दोस्तों यहाँ से जाने के बाद आपको पास कोई फीचर्स आता है, वैसे सेटिंग करने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस बना के बताऊँ जो कि YTA स्टूडियो से हो जाए बिल्कुल आसानी तरीके से। यदि आप एक यूट्यूबर्स हो तो दोस्तों इस वीडियोस को ज़रूर देखें और कोपा सेटिंग को ज़रूर सेटिंग करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले YTA स्टूडियो पे जाना है। YTA स्टूडियो पे जैसे चले जाते हैं दोस्तों, जाने के बाद आप क्या कीजिए, किसी भी वीडियोज़ को ले लीजिए। वीडियोज को लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, तो आप लोग देख लीजिए। आप टेक्स्ट लगाते हो वो दिख रहा है, आपका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, ऊपर में देखिए दोस्तों लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन्फो लिखा है उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मतलब कौन सा कैटेगरी रखे हैं वो लिख रहा है, लाइसेंस है तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस भी है। और दोस्तों यहाँ से आपको देखिए एडिकेंस लिखा है, जो कि किड्स के लिए यूट्यूब ने नया पॉलिसी लॉन्च किया है। वहाँ से दोस्तों यहाँ पर कोपा सेटिंग करना है, यहाँ पर लिख रहा है नो सेलेक्टेड। आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो वीडियोज बनाते हो वो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है या कम के लिए। आप अपने YTA स्टूडियो में जाकर दोस्तों देख सकते हो एनालिस्ट में, साइड में जब एनालिस्ट खोलते होंगे तो आपको पता होगा वहाँ से आपके कितने व्यूअर्स मतलब जो हैं जो 18 वर्ष से नीचे के हैं। नीचे के हैं तो दोस्तों यहाँ पे नो सेलेक्टेड पे क्लिक कीजिए और नो सेलेक्टेड लिखा है तो यहाँ पे देखिए लिखा है यस इट्स ए मेड फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए है। तो आपका बच्चों के लिए है या बच्चे उसमें उपयोग किए हो वीडियोज में तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो दोस्तों नहीं किए हो तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। देखिए दोस्तों सेव हो गया यहाँ। तो दोस्तों ऐसे सेटिंग हो जाता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए, ताकि हमेशा हमेशा ही लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई होप वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि अगले लोग भी आपके जान सकें। दोस्तों ऐसे में इस अपडेट पे कोई वीडियोज बनाने वाला नहीं था, जैसे मैंने कोपा के ऊपर वीडियोज बना चुका हूँ, बट देखा कि ऐसे काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च वैल्यूम इसका ज़्यादा है, बट कोई लोग इस पर वीडियोज अच्छी तरीके से नहीं बनाए हैं, इसलिए मैंने इस वीडियोज को बना के आप लोगों को बताया। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।